शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी शुक्रिया शुक्रिया। आपके जुनून का शुक्रिया, जज्बे का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप खामोशी खामोशी खामोशी। ये भी सब बातें आपके सामने रखनी हैं, इसलिए खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है। सबसे पहले मैं अपनी टाइगर फोर्स को खुशामदीद कहता हूं। और जब से गालिबन 28 मार्च को हमने अपनी टाइगर फोर्स बनाई थी, तब से जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की, मैं अपनी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे टाइगर्स, जितनी आप खामोशी करेंगे, जितना खामोश होंगे, आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। क्योंकि रात को जो सर्कस हुई, मैंने उसके ऊपर थोड़ी बातें की। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं ओहो अभी नहीं अभी नहीं। और भी उस सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। अच्छा सुने 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 अभी अभी जब तक खामोशी नहीं होगी मैं नहीं बात करूंगा। खामोशी। अच्छा टाइगर, सबसे पहले ये बड़ा जरूरी है आपको कि अपना मुकाम समझना और अपना काम समझना। जो वॉलंटियर फोर्स होती है, जो शहरियों की होती है, इसका एक बहुत बड़ा मुकाम एक माशरे में होता है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो कि आपने शहरियों की ज़रूरियात, उनके हकूक, उसकी हिफाजत करनी होती है। ये डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जब एक माशरे में मुश्किलात आती हैं तो जिंदा माशरा जो होता है उसके शहरी खुद हुकूमत के साथ मदद करने के लिए आ जाते हैं। और ये पाकिस्तान वो कौम है, जब मुश्किल वक्त आता है ये कौम खड़ी हो जाती है, अपने मुल्क के लिए खड़ी हो जाती है।
खामोशी, गौर से सुने, आप ये ज़ाया कर देंगे ये वक्त। हर वक्त मैं आपके सामने नहीं आ सकता, तो आराम से सुने। देखें, जब मैं कैंसर अस्पताल बनाने निकला तो मुझे बड़ा मुश्किल, इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था, बहुत मुश्किल थी। तो उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि पब्लिक की मदद मांगो, स्कूल के बच्चों की मदद मांगो, कॉलेज स्टूडेंट्स की मदद मांगो। और ये जो मौजा हुआ उसके बाद, किसी मुल्क में ये मिसाल नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल एक मुल्क में बने और कौम मिलके पैसा इकट्ठा करके वो हॉस्पिटल खड़ा कर दे, इतना बड़ा हॉस्पिटल। और वो आप जैसे, तब भी मैं उनको टाइगर्स कहता था, आप जैसे टाइगर्स उन्होंने मिलके वो अस्पताल बनाया। उसके बाद उसको चलाने के लिए भी मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी, सारी दुनिया में लोग सामने आए। और आज एक दुनिया का वाहिद, ये आपको पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और वो हमारे लोगों की, कौम की वजह से, बड़े दिल के लोग हैं। जब ये एक तरफ इनको एहसास हो जाए कि मुल्क को इनकी ज़रूरत है, ये कौम खड़ी हो जाती है। तो आपकी ज़रूरत अब किधर है? ज़रूरत तो अब आपकी पड़ती रहेगी। जब भी हमें ख़ास तौर पे ये जो हमने शजरकारी करनी है अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क एक दुनिया में वो मुल्क है जो 10 मुल्कों में से सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो भी मैं आपसे बात करूँगा गंदम की, ये 2 साल हमारे मुल्क में गंदम कम हुई इसलिए कि गलत टाइम पे बारिशें हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपका समझना कि आप जब तक कौम नहीं मिल के ये शजरकारी करेगी, और हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं अगले 3 सालों में, ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। पख्तूनख्वा के अंदर हमने पिछले 5 साल 2013 से 2018 तक 1 अरब दरख्त उगाए, और वो किस कैसे कि कौम ने मिलके उगाए। तो अब इंशाल्लाह इस सारे मुल्क के अंदर हमने सिर्फ दरख्त भी नहीं उगाने, अगला हमने अपना पानी को साफ करना है, दरिया साफ करने हैं, जो गंदगी हम अपने दरियाओं में फेंक रहे हैं।